आज की मुलाकात में आपको जलंधर का एक ऐसा ढाबा लेके आए हैं जो शुद्ध देसी ढाबा, और शुद्ध देसी ढाबे का खाना किसको पसंद नहीं होता जनाब। तो कोई भी टूरिस्ट अगर जलंधर में आता ना, तो उसके लिए बेस्ट लोकल प्लेस आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप लोकल हैं तो आपको तो पता ही होगा कि यहाँ का खाना कितना ज़बरदस्त होता है। शर्मा का ढाबा जलंधर में मैं पहुँच चुका हूँ, नियर ज्योति चौक। अंदर चलते हैं, सारा सेटअप आपको दिखाते हैं और यहाँ का खाना भी टेस्ट करते हैं। आइए मेरे साथ। तो भाई साहब, अंदर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बड़ी सी देग रहती है जिसमें 35 किलो दाल एक बार में बनती है। और दूसरी सबसे बढ़िया बात रहती है कि ये भैया देखिए, ये ऑनर है यहाँ के, और ये खुद ध्यान रखते हैं कि दाल को कैसे पकाया जाता है। तो ये सारा दिन यहाँ पे उबलती रहती है, पकती रहती है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये टेस्ट होने वाला है। आइए अंदर चलते हैं, मैं बाकी सब्जियां भी दिखाता हूँ आपको। तो ये रहने वाला है यहाँ का सारा सेटअप। आप देख सकते हैं कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं और क्या खुशबू यहाँ पे आ रही है, ज़बरदस्त है जी। और ये देखिए जनाब, ये है यहाँ की सबसे बेहतरीन आइटम, और किसी भी वेज लवर दोस्त के लिए सबसे बढ़िया कढ़ाई पनीर आ चुका है जनाब। देसी ढाबे का कढ़ाई पनीर जो होता है ना, एक अलग ही अरोमा होता है और एक अलग ही स्वाद होता है। और ये रहने वाला है यहाँ का बहुत ही स्पेशल चीज़ टमाटो। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जो तड़का लगाया जाता है ना, ये देखिए जनाब। सबसे बढ़िया यहाँ पे बात रहती है कि लाइव किचन रहती है, आपके सामने सारा का सारा तड़का लगाया जाता है, सामने आपको सारी क्वालिटी दिखाई जाती है, ज़बरदस्त है जी। और ये देखिए जनाब, किसी भी ढाबे की जान शान और पहचान मानी जाने वाली दाल मखनी देखिए जनाब। और किस किस की फेवरेट रहती है ढाबे पे जाके दाल मखनी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए जनाब, कितनी क्रीमी और कितना क्रीमी टेक्सचर है इस दाल मखनी का, ज़बरदस्त है जी। और आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रहने वाले हैं यहाँ के राजमा। राजमा जो रहने वाले हैं, छोटे राजमा रहते हैं, लाल वाले राजमा, जो ज़्यादातर मैंने जम्मू में खाए हैं, और ज़बरदस्त है जी। और ये देख सकते हैं आप, ये है जी पालक। पालक पनीर यहाँ पे मिलता है, पनीर जो डाला जाता है वो अलग से डाल के दिया जाता है, ये देखिए जनाब। और ये रहने वाली है यहाँ की चना मसाला, जो गाढ़ी मतलब मसाले के साथ जो सूखे छोले बनाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप ग्रेवी वाले छोले खाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अभी खेल ख़त्म नहीं होता है। और ये रहने वाली है जी मिक्स वेज, कितनी कलरफुल रहने वाली है। शिमला मिर्च, गोभी, गाजर, आलू, पनीर, बहुत कुछ इसमें डाला गया है। और कलर चेक कीजिए जनाब, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है यार। और आगे चले तो घर के खाने जैसा भी ख्याल रखा गया है यहाँ पे। और ये देखिए जी, मोटे मोटे पकोड़े देखिए, और कड़ी देखिए जनाब, ज़बरदस्त कलर के साथ। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बर्था भी मिलता है आपको, बर्था मटर आपको मिलेगा जी, ये चेक कीजिए जनाब। और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट रहता है देसी ढाबे पर। जब आप खाना खाना चाहते हैं तो सबसे फेवरेट आपकी कौन सी आइटम रहती है? और लीजिए जनाब, ये रहती है जी आलू गोभी, ओए होए 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 होए, ज़बरदस्त है जी। तो आइए इसमें से हम भी कुछ लगवाते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा जायका होने वाला है। आइए, और ये लगने जा रही है जी हमारे लिए कढ़ाई पनीर, ये देखिए जनाब, भर भर के दिया जाता है, और ये हाफ प्लेट की क्वांटिटी रहती है। और ये आ चुका है जी दाल तड़का। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी ढाबे की जान शान और पहचान जानी जाती है दाल तड़का। ये जो तड़का ऊपर से डाल के दिया जाता है ना, ये लाजवाब है जनाब। और ये आ चुकी है जी मिक्स वेज। तो तीनों की तीनों आइटम हमने लगवा ली हैं, इसके साथ चपाती लेते हैं और टेबल पे चलते हैं सीधा। और ये आ चुकी है जी चपाती, ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी प्लेट। शर्मा ढाबे की जलंधर की बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी प्लेट रेडी है जनाब। तो आइए चलते हैं टेबल पे, जायका चखते हैं, क्योंकि मुँह में पानी चल रहा फुल ऑन। आइए चलते हैं टेबल पे। तो भाई साहब, टेबल सज चुका है आपके भाई पेटू सिंह का। सबसे पहले जनाब ये देखिए जी दाल तड़का देखिए, और बताइएगा कि दाल तड़का किसका फेवरेट रहता है। और उसमें डाला गया तड़का चेक कीजिए जनाब, टमाटर चेक कीजिए, प्याज चेक कीजिए, अदरक चेक कीजिए, ज़बरदस्त। और क्या खुशबू मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ, मज़ा आ गया जनाब। वैसे ही रंग जम गया जैसे ही इसमें तड़का ऐड किया गया ना, रंग बन गया जनाब, ये देखिए जी। और किसी भी ढाबे की जान शान और पहचान मानी जाती है दाल तड़का या दाल मखनी। तो जनाब अगली आइटम ये देखिए जी मिक्स वेज, कितनी कलरफुल रहने वाली है, कितनी वेजेस इसमें डाली गई हैं, गोभी है, फलियां हैं, गाजर है, आलू है, पनीर है, ज़बरदस्त है यार। और ये देखिए जी, किसी भी वेज लवर दोस्त के लिए सबसे बढ़िया आइटम रहती है पनीर, तो यही लगवाया गया है कढ़ाई पनीर। तो मैं जब भी किसी वेज ढाबे पे जाता हूँ तो ये तीनों की तीनों आइटम मेरी तो फेवरेट रहती है, कि कहीं भी जाके ये तीनों चीज़ कॉमन होती है जो ऑर्डर किए जाते हैं, दाल मखनी, मिक्स वेज या आलू गोभी भी बोल सकता हूँ, और पनीर। और आप देसी ढाबे पे जाके क्या खाना पसंद करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए चखते हैं इसका स्वाद। तो भाई साहब, बाइट लेने जा रहे हैं हम चपाती की। यहाँ पे आप बटर नान ले सकते हैं, लच्छा पराठा ले सकते हैं, बहुत बड़ा मेन्यू रहता है, वेजिटेबल्स बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहली बाइट जाएगी जनाब दाल तड़का के साथ। ये जो मुझे लग रहा है ना, इसमें जो तड़का डाला गया है लाइव, मज़े ना रहे यार। लीजिए जनाब, किसी भी ढाबे की जान शान पहचान मानी जाने वाली दाल मखनी की बाइट, दाल तड़का की बाइट रेडी है जनाब।
अगर मैं जलंधर में ढाबों की बात करूँ ना, तो नंबर वन दाल तड़का यहाँ मिलती है जनाब। यहाँ पे लाइनें लगती है रात को इनकी पैकिंग के लिए, इनकी दाल खाने के लिए। नेक्स्ट लेवल दाल है जनाब। ये दाल ना देख के अंदर बनाई जाती है, बहुत देर तक इसको उबाला जाता है, 7 से 8 घंटे लगते हैं ये दाल को बनाने के लिए। ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ गया। और अगली बाइट मैं लूँगा पनीर के साथ, कढ़ाई पनीर के साथ। पनीर के पीसीज देखिए जनाब, तगड़े वाले पीसीज हैं, लाजवाब है जी। और ये बाइट रेडी है जनाब कढ़ाई पनीर के साथ, शर्मा ढाबे की स्पेशल बाइट। भाई साहब पनीर की बात करूँ, ज़बरदस्त है। कढ़ाई पनीर में हल्का सा स्पाइसीपन होना चाहिए, तो उतना ही है। ग्रेवी इसकी चेक कीजिए जनाब, ज़बरदस्त रिच ग्रेवी के साथ है ये चेक कीजिए, थिक और रिच ग्रेवी है। मतलब मज़ा आ जाएगा, अगर आपके पनीर खाने के शौकीन है ना, तो शुद्ध देसी ढाबा ये आप मिस नहीं कर सकते जलंधर में। ज़बरदस्त टेस्ट के साथ, लाजवाब खुशबू के साथ, मज़ेदार आइटम है यार। और अगली बाइट में लेने जा रहा हूँ जी मिक्स वेज की। भर भर के सब्जियाँ दी गई हैं, सारा का सारा मेन्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्या प्राइस रहने वाला है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये मिक्स वेज की बाइट रेडी है जनाब। भाई साहब कुछ जायके ऐसे होते हैं जिनकी तारीफ वर्ड्स में नहीं की जाती, तो ऐसे ही ये थाली थी, लाजवाब शानदार मज़ेदार से ऊपर ये थाली थी। तो भाई साहब ये रहने वाला है यहाँ का सारा मेन्यू। आप प्राइस चेक कर सकते हैं, सारी आइटम चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे स्पेशल लिखी गई है कि ऑर्डर देने के बाद 15 मिनट वेट ज़रूर कीजिएगा, बढ़िया खाना आपको सर्व करने के लिए ना कुछ टाइम ज़रूर लगता है। तो ये रहने वाला है जी पंडता दा ढाबा, शर्मा वैष्णो ढाबा। और आप ये नंबर देख सकते हैं, और एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आना है जलंधर में ज्योति चौक के एयरटेल के ऑफिस के बिल्कुल साथ। शर्मा ढाबा अपने आप में एक लैंडमार्क माना जाता है जलंधर में, और यहाँ का खाना जनाब सीरियसली लाजवाब शानदार मज़ेदार ढाबा। तो अगर आप कहीं देसी खाने की तलाश में घूम रहे हैं ना जलंधर में, तो जनाब यहाँ आके आपका सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो आइएगा, खाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जायका कैसा लगा। लेकिन जाने से पहले जनाब हम मुँह मीठा तो ज़रूर करेंगे, तो मुँह मीठा करना बनता है किसी भी ढाबे के अंदर जाके खीर से। तो लीजिए जनाब बादाम वाली खीर, ड्राई फ्रूट वाली खीर, ये बाइट रेडी है जनाब। सारे खाने को 4 चांद लगा दिए इसने। बाय बाय, मैं फिनिश करता हूँ, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर।